Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे हाफ एन आवर के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट सोर्स है सभी को अपन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए या फिर आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. डजंट मैटर दोस्तों, आपको स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज के अंदर हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, ये करंट अफेयर का जो सेक्शन है दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों की लाइफ के लिए. और काफी कुछ है जो कि आपको सीखने को मिलेगा. अगर कोई घर के अंदर भी काम कर रहा है, कोई हाउसवाइफ भी है, तो भी उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि नॉलेज दोस्तों किसी के एक के लिए नहीं होती है, इट इज फॉर ईच एंड एवरीवन. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कल के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके बाद देखेंगे आज का द हिंदू का आंसर क्या है. कल मैंने आपसे पूछा था, हर महाद्वीप पे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सभी 7 समिट पर चढ़ने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है. पहली महिला की हमने बात करी थी, तो कौन थी? तबाई. ठीक है, जंको तबाई थी, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे या फिर 7 समिट उन्होंने पूरा किया था. महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 288 है. 21 तारीख को इलेक्शन है. डेंगू से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य यूटी ने चैंपियन कैंपेन शुरू किया है? तो यह है आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली. एनटीपीसी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? और यह है गुजरात. सरदार पटेल पुरस्कार के तहत दिए जाने वाला पुरस्कार जो होगा वो लोटस लीफ के शेप में होगा. कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 में सबसे ऊपर है? और ये है दोस्तों इंडिया. न्यू IAF के जो चीफ बनाए जाएंगे वो भदौरिया जी को बनाया जाएगा. सबसे पुरानी पक्षी प्रजाति कहां पे खोजी गई है दोस्तों? प्रोटो, ये न्यूजीलैंड के अंदर खोजी गई है. फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान दोस्तों अभी यह है 104. राइडर कप दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है. और देखते हैं आज के कोड ऑफ द डे जो कि विकास और गुलशन के द्वारा भेजे गए. विकास बोलते हैं, एक वक्त वो भी था जब हिमा दास के पास रनिंग के लिए शूज नहीं थे, लेकिन आज वो नाइक और एडिडास जैसे ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है. सच्ची मेहनत रंग जरूर आती है, तो काफी अच्छी बात यहां पे बोली गई. गुलशन बोलते हैं, ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो, फिर देखना सक्सेस कैसे तुम्हारे कदमों में होगी. काफी अच्छी बात बोली गई है. एक तो बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल दिया गया हिमा दास का. आपको मालूम है दोस्तों, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एथलीट रहे ना, उनके सबके स्टोरी वही रही है दोस्तों कि बहुत ज्यादा बेस ग्राउंड रूट से उठ के आया है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करी है. कभी किसी के पास जूते भी नहीं थे खेलने के लिए, लेकिन आज जो है बड़े बड़े ब्रांड है जो कि उनके पीछे भाग रहे हैं. यार यहाँ पे दोस्तों दूसरी बात गुलशन के द्वारा भी बहुत अच्छी बोली गई है, ना कि पास्ट की चिंता करो ना भविष्य की चिंता करो, आज आपके पास है, आज मस्त होकर प्रिपरेशन करो. जो काम आपको करना है, जो पसंद है, जो भी आप बेस्ट दे सकते हो आज के दिन पे, वो बेस्ट दो और शांति से सो जाओ. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे. चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी प्लस की. अनअकैडमी के ऊपर अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टाइम एनर्जी मनी तीनों बचाना चाहते हैं, तो अभी रेलवे के अंदर NTPC और ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में. कूपन कोड लगाना है वाईफाई स्टडी, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा. चलिए, होम मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पे बोला है एक कार्ड के लिए, सिंगल कार्ड फॉर ऑल यूटिलिटीज. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये क्या डिस्कशन किया गया है, नई कौन सा बंदूक छोड़ी गई है, इसके बारे में बात करेंगे. यहां पे दोस्तों रावत जी ने बोल दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बालाकोट कैंप के अंदर 500 लोगों को और ट्रेन किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो हो सकता है भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कर दे.
यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ये काउ स्मगलिंग की, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टे लगाने के ऊपर, जो स्टूडेंट का अरेस्ट था चिन्यानवन, जो आपको मालूम है ना बीजेपी का XMP है, इसके ऊपर रेप अक्यूज है और एक्सेप्ट भी कर लिया है काफी सारे केसेस जो खुद के ऊपर लगाए गए थे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में मोदी जी ने बात करी कल US के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या बात करी गई है और अभी हम जो है किस नंबर पे हैं। यहाँ पे भी दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि अपने साइन लैंग्वेज को लेकर है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है उसमें 4000 नए वर्ड ऐड करे गए हैं, तो ये जो स्टार बनाए हुए हैं ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने अमित शाह जी की। 2021 के सेंसस एक्सरसाइज के अंदर बोला गया कि भाई आपको मालूम है ना हर 10 साल के अंदर सेंसस होते हैं, 2011 के अंदर सेंसस हुए थे, अभी 2021 के अंदर होंगे। इनके द्वारा बोला गया कि भाई 2021 का जो सेंसस होगा ना वो पूरी तरीके से डिजिटली होगा, डिजिटली जो है उसको किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था, एक नई बिल्डिंग बनी है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा कि भाई डिजिटल सेंसस जो है वो करवा देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा सारे लोग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम सारे कार्ड का एक सिंगल कार्ड बना सकते हैं, जैसे कि विदेशों में होता है मेजरली यूरोपियन कंट्रीज में। सिंगल कार्ड का मतलब क्या है कि भाई आपका चाहे आधार हो, पासपोर्ट हो, बैंक अकाउंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सब जो है वो एक कार्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रेजेंट कंडीशन के अंदर काफी डिफिकल्ट है ये, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो गया कि भाई देश के 130 करोड़ या जितने भी 140 करोड़ लोग जितने भी होंगे 2021 के टाइम पे 135 136 के आसपास हो जाएंगे, तो अगर ये सभी लोग सच में डिजिटल सेंसस के द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एक पहला स्टेप हो जाएगा सिंगल कार्ड को लेकर। तो अभी तो हालांकि कह रही है ड्रीम ये कि देश के अंदर भी इस तरीके से एक आईडी हो जो कि सब चीजों को लेकर हो। ठीक है, हालांकि अभी कोई फॉर्मल प्रपोजल इसको लेकर नहीं आया कॉमन यूटिलिटी कार्ड को लेकर, लेकिन आप बोला गया है कि भाई डिजिटल सेंसस क्या होगा, पोटेंशियल होगा इसका बेस बनाने को लेकर। ठीक है, और बोला जा रहा है 2021 में पहली बार होगा कि पेपर से डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर हम लोग जाएंगे। 12,000 करोड़ रुपए है जो कि बोला जा रहा है कि इसके लिए अलॉट किए जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो खर्चा आएगा। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार और सेंसस के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, उसके द्वारा ट्रैकिंग भी काफी आसान हो जाएगी, बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है हमें देश के सिटीजन्स के बारे में पता लग जाएगा। ओके, तो ये पूरी बात जानकारी जो है वो किसके थ्रू, अगर डिजिटल हो गया तो उसके थ्रू काफी आसान हो जाएगा किसी को रिकॉग्नाइज करना और ये बहुत सारे फायदे जो है उसको देखने के मिलते हैं ना। चलिए ओके, और बोला गया कि 130 करोड़ की जो जनता है उसको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा बेनिफिट के बारे में और मल्टी डायमेंशनल जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा देश की प्रोग्रेस के अंदर, तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। इसके अलावा जितनी भी वेलफेयर स्कीम होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, गैस कनेक्शन को लेकर, रोड हाउसेस को लेकर, टॉयलेट, बैंक अकाउंट, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी। ठीक है, एक अगर सब लोग डिजिटल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको इजिली एक्सेसिबल हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं जो कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, कि दोस्तों इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो किया है उसको 450 गीगावाट तक बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर मंडे को ये बोला, ठीक है, कि हम लोग काफी सीरियस है इस मुद्दे के ऊपर और प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोगों को रोड मैप है जो कि हमने इसके ऊपर बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई पहले जो हमारा टारगेट था वो क्या था कि 175 गीगावाट है जो कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 2022 तक अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया है ना उसके तहत हमें 2022 तक क्या करना था, 175 गीगावाट एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करनी थी। ठीक है, हालांकि भारत ने जो है वो काफी अच्छे काम कर रहा है और इंडिया ने नियर बाय $50 बिलियन जो है, ठीक है, वो आने वाले कुछ सालों के अंदर स्पेंड करने के लिए यहाँ पे बोला है और वाटर रिसोर्सेज भी यहाँ पे डेवलप करने के लिए बोले हैं। हालांकि प्रेजेंट के अंदर बात करें तो भारत वैसे सोलर के ऊपर काफी काम कर रहा है। हम देखो रिन्यूएबल एनर्जी अलग बात है और सोलर अलग बात है। अगर मैं ओवरऑल मैं आपको क्या प्रेजेंट सिनेरियो बता देता हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर क्या सीन है। ठीक है, प्रेजेंटली देखो हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कवरेज की बात करें तो 99% जो है कंट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है जो कि बताया जाता है। ठीक है, 99%, हालांकि 2-4% कम हो सकता है लेकिन हाँ ठीक है, मेजरली जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हो गया है। अब ये मैटर अलग है कि वहां पे कितने घंटे बिजली आती है वो मैटर अलग है, लेकिन हाँ कवरेज जरूर है। अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे देश के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के, क्या हमारे यहाँ पे कैपेसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 360 गीगावाट है जो कि हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और यहाँ पे हम जो फॉसिल एनर्जी के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल के द्वारा और जो अपने
ठीक है, बाकी सब चीजों के द्वारा, थर्मल के द्वारा। तो ये हमारे 79.8% है जो कि हम फॉसिल के थ्रू करते हैं, जो कि लिमिटेड सोर्स है, समझ रहे हो। अब हम यहाँ पे बात करें रेन्यूएबल एनर्जी की, जैसे कि जो मोदी जी ने अभी बात बोली है, तो हमारा देश दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफी पीछे है। हम लोग मात्र 17% के आसपास है, ठीक है, 17% या 20% से मान लो, 17-20% के आसपास है जो कि हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये 17-20% के अंदर भी, रेन्यूएबल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, विंड एनर्जी भी होती है, इसके अंदर सोलर भी होती है, ओके, इसके अंदर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इसके अंदर बायोमास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इसके अंदर वेस्ट टू पावर भी होते हैं, है ना, जियोथर्मल भी होते हैं। तो ऐसे कई तरीके के अपने रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो अभी लेटेस्ट है, मॉडर्न जो टेक्निक जिनको अपन कहते हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा आपको लगता होगा कि भारत के अंदर पर कैपिटा कितनी है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी यूज का, तो देखो हमारे यहाँ पे दोस्तों 1180 के आसपास है, ठीक है, किलोवाट पर कैपिटा जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स, अगर आपसे बोले ना कि भाई सबसे सस्ती बिजली जो है वो किससे बनती है, तो वो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि सबसे सस्ती है। हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम है, नियर बाय 5-7% है जो कि हम न्यूक्लियर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस दोस्तों 70% अपना न्यूक्लियर के थ्रू कर रहा है। हालांकि सोलर के रेट भी काफ़ी डाउन आ गए, एक टाइम के ऊपर जो है 10 ठीक है पर यूनिट जो है 10 रुपये के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अभी जो है 3-4 रुपये के आसपास जो है वो सोलर भी आ गया, काफ़ी काम किया है सोलर के ऊपर हमने, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो हम यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो किसकी, रेन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, तो हम इसके ऊपर काफ़ी पीछे हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हो कि हम 15-20% ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो मोदी जी ने ये बोला है कि हम इसको काफ़ी बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। अभी प्रेजेंट के अंदर आप देख सकते हो 20% इसका कितना हो गया, कोई नियर बाय 70-80 गीगावाट के आसपास। अभी मोदी जी ने क्या बोला है कि हम इस 70 गीगावाट को क्या करेंगे, ठीक है, इस 70 गीगावाट को कहाँ तक लेके जाएंगे, 350 गीगावाट तक लेके जाएंगे, ओके। तो काफ़ी एम्बिशियस है, क्योंकि आपको मालूम है कि अपन क्या करते हैं कि दो चार चीज़ें क्या बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो क्या 4 गुना करने के लिए यहाँ पे बोली गई है। तो ये पूरा का पूरा डेटा था जो कि मैंने आपको बताया। दुनिया के अंदर भारत जो है वो 3rd largest प्रोड्यूसर है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में 3rd largest कंज्यूमर भी है, समझ रहे हो। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान रखेंगे और काफी चीजें अपन ने देख ली है, रियलिटी जो भी है अपन सब बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि अपने है साइन लैंग्वेज को लेकर, और साथ में भाई वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, तो सभी बच्चे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है यहाँ पे साइन लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम लोग सोलर के अंदर तरक्की कर रहे हैं क्या। देखो डेफिनेटली दोस्तों सोलर के जो डाटा है ना वो काफी अच्छे हैं, पिछले 5-7 सालों के अंदर हमने सोलर के अंदर काफी तरक्की करी है। दुनिया के जो लीडिंग कंट्रीज है उसके अंदर है भारत, अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं बाकी एनर्जी की, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, वेव एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इनके ऊपर थोड़ा सा हम अभी थोड़ा लैग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, धीरे धीरे जो है उसके ऊपर भी इंप्रूवमेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि है साइन लैंग्वेज को लेकर, 4000 न्यू वर्ड है जो कि ऐड करे गए हैं। एग्रीकल्चर के कई सारे कैटेगरी है, साइन है जो कि इस बार कंसिडर करे गए हैं, ठीक है। 2020 की जो डिक्शनरी आएगी उसके अंदर 4000 नए वर्ड ऐड करे गए हैं। पहली बार दोस्तों हमारा जो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है, कौन है अभी, थावरचंद गहलोत है ना मिनिस्टर, तो यहाँ पे इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया गया। पहला एडिशन क्या हमने 2018 के अंदर लॉन्च किया था, उसके अंदर हमने, ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड एडिशन जब लेके आए तो उसके अंदर हमने 6000 वर्ड ऐड करे, उसके बाद में 2019 में, और अभी हमने 4000 वर्ड और ऐड कर दिए। तो जो लोग बोल नहीं पाते वो साइन लैंग्वेज के थ्रू काफी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी को लेकर इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ठीक है, कल क्या तारीख थी भाई, 23 तारीख थी ना, तो कल इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे भी था, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी दिन जो है इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया, समझ गए, तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ जो कि अपने पेज नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, केजरीवाल जी को लेकर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। केजरीवाल जी ये रहे यहाँ पे, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी न्यूज थी। यहाँ पे एक आदमी क्या हुआ कि उसका चालान ज्यादा हो गया, तो चालान ज्यादा हो गया तो उसने पता क्या किया, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मतलब उसका पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, ड्रंक था ऑलरेडी, तो बोला कि भाई आपका चालान इतने का हो जाएगा, 10-15-20 हज़ार रुपये का। वो बोला मेरी मोटरसाइकिल 5,000 की, आग लगा के चला गया, भाग गया आग लगा के, पुलिस वाले पीछे भागते रहे। लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार इसने तो प्रूफ, मतलब जिसके ऊपर हम चालान कर रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, वो मोटरसाइकिल ही चला थी। तो मतलब जड़े बड़ी अजीब अजीब से जनता है, मतलब यार ठीक है चलिए, मतलब आदमी चालान गलती नहीं मानी, मोटरसाइकिल को चला दी अपनी जिसके ऊपर आया था वो, और उसका पैदल और गया उसके बाद। चलो तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे केजरीवाल जी को लेकर, जो कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने मंडे को अनाउंस किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है दोस्तों मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट स्कीम के तहत। आपसे पूछे मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना जो है, ठीक है, ये स्कीम जो है कौन से किसके यूटी के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ये दिल्ली होगा दोस्तों, क्योंकि 2,00,000 LED लाइट है जो कि जलाने को लेकर बोला गया है। 1 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, और 210 लाख 20 से लेकर 40 वॉट तक की जो LED लाइट है उसको लगाने को लेकर बोला गया है। LED के लाइट के अंदर यार बहुत घपला होता है, मतलब मैं आपको जयपुर का बताता हूँ, जयपुर के अंदर क्या हुआ। आपको मालूम है कि भाई वो तो यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर है क्लाइमेट, अगर आप क्लाइमेट पैक्ट अगर आपने साइन कर रखा है तो आपकी मजबूरी भी है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, LED लाइट्स के ऊपर स्विच होना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एनर्जी इफिशियंट बनना पड़ेगा, है ना, ये इंडिया के टारगेट्स होते हैं। तो अभी जयपुर के टाइम पे जयपुर में क्या हुआ था, जयपुर में JLN मार्ग, तो वहाँ पे एक लार्ज टेंडर है जो कि जारी किया गया था किस चीज़ को लेकर, LED लाइट्स लगाने को लेकर स्ट्रीट लाइट के ऊपर, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, जितना एनर्जी के लिए बोला गया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 60 वॉट के लिए बोला गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 वॉट लगाने को बोला गया तो पहले तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या कर दिया, वॉट कम कर दिया, उसके बाद क्वालिटी भी इतनी कम लगाई कि वो स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो LED के का जितनी रोशनी आनी थी ना वो आना ही बंद हो गई, वो पूरी तरीके से डिम हो गई, और वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ख़राब हो गया। तो LED लाइट के अंदर यही होता है कि टेंडर्स पास होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर थोड़ा पैसा जाता है, और लोग जो है क्या करते हैं, लो क्वालिटी लगाते हैं, वो साल दो साल के अंदर LED ठप पड़ जाती है, वापस से पुराने वालों के ऊपर ही आना पड़ता है। अभी देखते हैं दिल्ली के अंदर कितने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उम्मीद करते हैं। दिल्ली तो काफ़ी बेटर प्रोग्रेस कर रहा है पिछले कुछ सालों से, जब से वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल की काफ़ी अच्छी पोजीशन हो गई है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है वो घर बैठे आ रही है, आपको आधार कार्ड मंगवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाना है, चाहे कोई सा भी चीज़ मंगवानी है, घर बैठे जो है वो आपको अवेलेबल हो रही है। आधार तो पहले भी घर बैठे आ जाता था, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो और भी जितने भी पहले होता था ना कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, अभी वो घर बैठे मिल रही है, तो अच्छा इनिशिएटिव है, सभी स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर बोला गया है कि CCTV कैमराज भी लगाएंगे, 100 करोड़ रुपये का एस्टिमेशन यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, और 10 करोड़ रुपये जो है मेंटेनेंस के लिए बोला गया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 11, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस चीज को लेकर, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, क्लाइमेट को लेकर। तो देखिए दोस्तों बिग पोल्यूटर्स कौन है दुनिया के अंदर, UN क्लाइमेट चेंज समिट अभी मंडे को स्टार्ट हुआ है, और वहां पे बोला गया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके ऊपर बातचीत करी गई। और आपको जान के पता होगा दोस्तों कि यूएसए जो कि सबसे ज्यादा नेतागिरी करता है, सबसे ज्यादा ही इमिशन जो है यूएस के द्वारा किया जाता है, नंबर वन पे जो है वो यूएसए ही है इमिशन के अंदर, सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, हमारा इंडिया, ठीक है, इमिटर्स के अंदर जो है थर्ड नंबर के ऊपर इंडिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से इमिशन लेवल जो है वो 1960 के बाद से बढ़ता ही चला गया, ठीक है, ये देख सकते हो किस तरीके से बढ़ता ही चला गया, समझ रहे हो। अगर पर कैपिटा इमिशन की बात करें, अगर आपसे ओवरऑल इमिशन के बारे में पूछेंगे पेपर के अंदर, तो आपको सिंपल सी बात है, यूएसए पहले आंसर करना है, उसके बाद में चाइना करना है, और उसके बाद में इंडिया करना है। लेकिन अगर आपसे मान लो पर कैपिटा पूछ लिया, अगर आपसे पर कैपिटा पूछ लिया, तो दोस्तों कतर नंबर वन के ऊपर है पर कैपिटा में, 50 टन ऑफ CO2 जो है वो पर कैपिटा के हिसाब से कतर रिलीज कर रहा है, उसके बाद कुवैत, UAE, US, रशिया, जापान, चाइना, और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा मिल गया। और भारत का पर कैपिटा इमिशन जो है वो बहुत कम है, 1.84 टन ऑफ CO2, कतर 50 टन ऑफ CO2, कितना ज़्यादा फर्क आ गया, ठीक है। और राइजिंग टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर जो है
वो 14 हुआ करता था अगर आपसे 20-30 साल पहले की बात करें, और अभी बढ़ के जो है 14.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हो किस तरीके से वेरिएशन हो गया है और काफी आगे बढ़ते गया है ना। चलिए इसके अलावा बात करें, और यहाँ पे देखो बताया गया है कि क्लाइमेट चेंजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज मेनली रेस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा किस देश के अंदर जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो रेस्पॉन्सिबल की बात करी जाए तो भारत जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा, भारत के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे ज्यादा ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद में चाइना रेस्पॉन्सिबल सेकेंड नंबर पे ह्यूमन, और यूएसए के लोग जो है बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कम रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कि भाई थोड़ा इंसान भी रेस्पॉन्सिबल है तो उसके अंदर देखो काफी बड़ा गैप आ गया यूएसए के, ठीक है, और नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल जो कि नेचुरली चेंज हो रही है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि यूएसए के अंदर ऐसा बोला गया है कि भाई नेचुरली क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इंडिया और चाइना के अंदर ये इसका फैक्टर कम है, ह्यूमन एक्टिविटीज का ज्यादा फैक्टर है। तो डेवलपिंग देश के अंदर ऐसा होता ही है, आप देख सकते हो 1880 से लेकर 2013 तक जो है क्लाइमेट का वेरिएशन, ये फेरनहाइट के अंदर है किस तरीके से क्लाइमेट का वेरिएशन आया और क्लाइमेट जो है वो बढ़ता चला गया। पेज नंबर 14 की बात करें यहाँ पे एमी अवार्ड्स को लेकर दोस्तों, तो देखिए ऑस्कर होता है मूवीज के लिए, ग्रैमी होता है म्यूजिक के लिए, और वैसे ही टीवी के लिए कौन सा होता है दोस्तों, एमी अवार्ड होता है टीवी के लिए, और वैसे एक और टोनी अवार्ड भी होता है, टोनी अवार्ड होता है वो होता है थिएटर के लिए, समझ रहे हो। तो ये क्या बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं अपने रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की, जो कि टेलीविजन हिस्ट्री के अंदर 71 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जिसने जीता है बेस्ट ड्रामा सीरीज को लेकर, ठीक है। तो काफी बड़ी फैंटेसी सीरीज बताई जाती है गेम ऑफ थ्रोन्स को, जीओटी को, मैंने तो कभी देखी नहीं यार, बहुत सारे एपिसोड्स है, अपने पास टाइम नहीं है कि इतने सारे एपिसोड देखो, बेटर है कि इससे कोई मूवी देख लो एक दो घंटा, आई मीन टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज हो सकता है माइट बी पॉसिबल कई सारी मूवीज से जो है वो बेटर बनाया हो गेम्स ऑफ थ्रोन को, तो पता नहीं बाकी HBO का गेम्स ऑफ थ्रोन को यहाँ पे बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पेपर के अंदर पूछेंगे एमी और एक ये फ्लैगिंग जो है इनको सबसे ज्यादा प्राइजेज है जो कि यहाँ पे मिले हैं। बेस्ट एक्टर ड्रामा के अंदर किसको है, बिली पॉटर को मिला है, और सिन्ना बिल को जो है टोटल 10 अवार्ड है जो कि यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नाम याद कर लो बाकी सब ठीक है। कॉमेडी के लिए जो है वो मिला है इसको, फ्लैबैक जो है इसको कॉमेडी के लिए मिला है बेस्ट कॉमेडी अवार्ड। चलिए आगे बात करते हैं, CBDT जो है वो सेटअप कर रहा है एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, किसके लिए, फेसलेस स्क्रूटनी के लिए, IT रिटर्न्स के, ठीक है। तो CBDT दोस्तों उन्होंने सेटअप किया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जिससे टैक्स रिटर्न जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एक्सेस कर सकते हो विदाउट पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी भी टैक्स पेयर ऑफिशियल के बीच में, ठीक है। तो ह्यूमन जितने लोग कम इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा बेटर चीजें होगी, वैसे ही करप्शन कम हो जाएगा, उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो क्या होगा कि चीजें फास्ट भी होगी, तो ये सब चीजें यहाँ पे करने के लिए स्टार्ट किया गया। तो CBDT ने कृष्णा मेनन को, प्रसाद को अपॉइंट किया है जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाया गया है ना एज ए इनकम टैक्स के NEAC के। आगे बात करते हैं लद्दाख की का शॉन्डल डांस है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, और लार्जेस्ट लद्दाखी डांस इसको माना जाता है, किंग ऑफ लद्दाख के वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो 400 वुमेन है जिन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर इसको परफॉर्म किया। आगे बात करते हैं गोविंदा जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसके, मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको कई बार जो है लोकसभा से MP भी रह चुके हैं मुंबई नॉर्थ कंस्टिट्यूएंसी से, ठीक है, 2004 के अंदर राम नायक को इन्होंने हराया था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, मधुकर कामत ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए, कौन है मधुकर कामत। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है दोस्तों, ये कि कौन सा अखबार का कितना सर्कुलेशन है उस, ये कंप्लीट डाटा जो है इनके द्वारा बताया जाता है, नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स भूपा और इंडियन बैंक ने क्या किया है, बैंक इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा समाधान की पेशकश करी है। तो मैक्स भूपा एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कॉर्पोरेट एजेंसी एक के साथ इंडिया बैंक के साथ में, इंडियन बैंक के साथ में एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं राहुल को लेकर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल अवावरे ने 61 kg में कांस्य जीता, ठीक है। तो इंडियन रेसलर है राहुल दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, कहाँ पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, हालांकि ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इंडिया ने यहाँ पे 5 मेडल जीते हैं इस एडिशन के अंदर,
एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज। आगे बात करते हैं, कैरोलिना मारिन ने दोस्तों चाइना ओपन टाइटल है जो कि यहाँ पे जीता है, ठीक है। तो ये तो हम पहले कल हमने शायद डिस्कस कर लिया था कैरोलिना मारिन के बारे में, तो 8 महीने बाद जो है कोर्ट के ऊपर आई है। अगले बात करते हैं डैनियल दोस्तों मेदवेदेव ने सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टाइटल जो है यहाँ पे जीत लिया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और इंडिया के जो है दिविज सारण, इन्होंने भी यहाँ पे इगोर के साथ में मिलकर डबल्स का जो टाइटल है वो यहाँ पे जीता है। अब चलते हैं दोस्तों कल के एग्जाम के अंदर एसएससी जेई के अंदर करंट अफेयर के सवाल पूछे गए, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कल पूछा गया डीफो ब्रिज के बारे में, कहां पे ओपन किया गया था भाई, मैंने आपको पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं अर्थ डे के बारे में पूछा गया कल के एग्जाम के अंदर, आपको मालूम है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके, प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज की थीम है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आया अजलन शाह कप किसने जीता है, 2019 का साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपके एसएससी के लिए स्पेशल वीडियो भी बना के डाला था सीजीएल के टाइम पे, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से ही है। एमडी और सीईओ यस बैंक के कौन बनाए गए, रवनीत गिल को बनाया गया, ठीक है। आजकल एसएससी के अंदर बैंक के भी सवाल आने लग गए हैं। इसके अलावा टी10 क्रिकेट जो है दोस्तों वो कहाँ पे करवाया गया, आपको मालूम है यूएई के अंदर करवाया जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन करवाए गए, तो कुछ ये सवाल पूछे गए। इसके अलावा कृति ने दोस्तों एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं था 2 साल के लिए, तो उन्होंने क्या किया वहां पे फ्री में जाके वो बच्चों को पढ़ा के आती थी और कोई भी फीस नहीं ली, और इन्होंने कहा कि उससे उनको काफी खुशी मिली और काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो एक कृति ने एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम है जो कि इन्होंने करने को लेकर स्टार्ट किया है, ठीक है। आपके भी आसपास काफी सारे गवर्नमेंट टीचर्स ऑब्वियस है, आपको मालूम है ना तो होते हैं, और होते हैं तो ना तो वहां पे क्वालिटी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी ना किसी तरीके से 1-2 घंटा भी देंगे तो काफी चेंज आएगा। इसके अलावा अगर आपको घर बैठे टाइम एनर्जी मनी बचाना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में कोई भी एग्जाम नीचे प्लस में जाइए, यहां से रेलवे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं। उसके बाद 6 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वाईफाई स्टडी कूपन कोड डालिए, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा, और उसके बाद एनरोल करके वाईफाई स्टडी को या किसी भी एजुकेटर को आप सारे क्लासेस देख सकते हैं, आपको पीडीएफ, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलता है। चलिए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल क्या है। पहला सवाल आपके सामने है, टेक्सास में प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय अमेरिकी रैली को क्या नाम दिया गया था। अगला है, लेखा परीक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किस बैंक के साथ स्वास्थ्य बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए एक बैंक एश्योरेंस टाइप पर हस्ताक्षर करे हैं मैक्स बुपा ने। राहुल विनय विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता किस खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पुरुषों का सेंट पीटर्सबर्ग ओपन खिताब जीता है। भारत के पहले ट्रांस आर्ट फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है। हेड ऑफ सेबी कमिटी जो कि सजेस्ट कर रहे हैं नॉर्म्स सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। किसने बयान जारी किया पीओके भारत का हिस्सा है। इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताएं जिसने इंडियन बैंक के साथ एक, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अभी अभी आपको। भारतीय रेलवे पहली पीटी बोतल कोलू मशीन निम्नलिखित में से किसमें स्थापित कर रही है। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।